हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से अपने सिस्टम में शटडाउन के टाइम को सेट करें, जिससे कि आपका सिस्टम उसी टाइम पीरियड के बाद में ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाए। दोस्तों, हमारे ये वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन जरूर दबाएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक करते हुए शेयर करना ना बोले। इसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने सिस्टम पर रन कमांड को ओपन करते हैं। रन कमांड ओपन करने के लिए आप विंडो की के साथ में आर बटन का भी प्रयोग कर सकते हैं। विंडो की के साथ में आप जैसे ही आर बटन का प्रयोग करेंगे, वैसे ही आपके सामने रन का डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा। इसमें क्या करना है, आपको टाइप करना है शटडाउन स्पेस इसका डैश यस स्पेस डैश टी और 60 सेकेंड। यदि आपको 1 मिनट में शटडाउन करना है तो 60 सेकेंड, यदि आपको सिस्टम को 1 घंटे में शटडाउन करना है तो उसके लिए आप मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में आप ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे, वैसे ही आपका शटडाउन का सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा और आपका सिस्टम 1 मिनट के बाद शटडाउन, या जो आप टाइम सेट करेंगे उसके बाद में सिस्टम शटडाउन हो जाएगा। इसके बाद में यदि आप इस टाइम पीरियड के सेटिंग को यदि अपने डेस्कटॉप पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पर क्लिक करना है और शॉर्टकट पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे शटडाउन। स्पेस डैश यस डैश टी एंड 60 और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी नाम देना है आइकन को, वो आप लिखकर फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आइकन आ जाएगा। फिर आइकन के लिए आप जो भी पिक्चर लगाना चाहें इस पर लगा सकते हैं। इसके प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, देन चेंज आइकन, और यहाँ पर अपना जो भी आइकन आप लेना चाहें उसे सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, अप्लाई और ओके कर देंगे। जैसे अप्लाई ओके करेंगे वैसे ही आपके सामने आइकन आ जाएगा और इस पर आप जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, आपका रन कमांड से आपका एक्टिवेट हो जाएगा और सिस्टम 60 सेकंड के बाद आपका शटडाउन हो जाएगा। यदि इसी को आपको डीएक्टिवेट करना है शटडाउन को, तो क्या करेंगे, आप रन कमांड पर जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे शटडाउन स्पेस डैश ए। लिखने के बाद में आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, वैसे ही आपका शटडाउन का जो टाइमर लगा हुआ है वो आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारा ये वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक शेयर करना ना भूलें।